आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अतिथि शिक्षकों के वेतन मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने हरित पटाखे विकसित करने का दावा किया है, जो किफायती होने के साथ ही प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन सहित दो जवान शहीद। और मंदसौर में खेली जा रही राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले कल से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने अतिथि शिक्षकों को 5 माह से वेतन नहीं मिलने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग की आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति में दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी सहित 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने भोपाल नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुए विवाद मामले में भी जिला पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे हरित पटाखे विकसित किए हैं जो किफायती होने के साथ ही कम प्रदूषण पैदा करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR की 3 प्रयोगशालाओं ने मिलकर ये पटाखे विकसित किए हैं। उन्होंने बताया कि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में 15 से 30% तक सस्ते हैं। इसके अलावा पटाखों की ई लड़ियां भी तैयार की गई हैं जो बैटरी से चलेंगी। श्री हर्षवर्धन ने बताया कि पटाखों के बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने वाले पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और उच्चतम न्यायालय को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। श्री गांधी आज आदिवासी बाहुल जिले धार में संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। श्री गांधी ने आगे कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गाँव में ही फूड प्रोसेसिंग कंपनियां लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती पटेल ने आज भोपाल में कहा कि राष्ट्र को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा देश के प्रति सरदार पटेल के योगदान और बलिदान की याद दिलाती रहेगी और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा प्रदान करेगी। श्रीमती पटेल ने कहा कि आजादी के बाद 550 से अधिक देशी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता सिर्फ पटेल में ही थी। राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से संपत्ति विरूपण के अब तक 14,63,000 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि आचार संहिता प्रभावित होने के बाद से अब तक 2,000 से अधिक अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि 2,38,500 से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराए गए हैं। श्री राव ने बताया कि वहीं 56,215 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी ने आज इंदौर में पत्रकारों के साथ चर्चा में कहा कि वे वर्ग विशेष के बजाय सभी लोगों के हितों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से जाते हैं। उन्होंने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। रिजर्व बैंक ने प्रदेश के 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं। हाल ही में भोपाल में हुई आरबीआई के नॉन बैंकिंग सुपरविजन विभाग के 35वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक ने आम लोगों को आगाह किया है कि बैंक कभी भी ईमेल, एसएमएस और फोन कॉल कर बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने को नहीं कहता है। मुरैना के बाल संप्रेषण गृह से आज तड़के दीवार तोड़कर 5 बाल अपराधी फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंभीर आरोप में संप्रेषण गृह में 1 वर्ष से अधिक समय से ये 5ों बाल अपराधी बंद थे। आज तड़के बाथरूम की दीवार की ईंट निकालकर वहां से फरार हो गए। गौरतलब है कि घटना के बाद संप्रेषण गृह में 32 बाल अपराधी मौजूद थे।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद श्री सिंह के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्री सिंह के खिलाफ मुरैना विधानसभा क्षेत्र के वरंडा गांव में एक चुनावी सभा के दौरान जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिवपुरी में भी स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं के अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवम्बर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं गतिविधियों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में नए नवाचार किए जा रहे हैं। नवाचार के क्रम में शिवपुरी शहर में अस्पताल चौक से गणेश चौराया तक जो कोतवाली रोड कहलाती है, यहां पर मतदाता जागरूकता पथ बनाया गया है। इस जागरूकता पथ पर मतदाताओं को जागरूकता संबंधी कई गतिविधियां संचालित की गई हैं। जागरूकता पथ के तहत कोतवाली रोड स्थित छावनी माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र को पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ महिला मतदाताओं के लिए कई जागरूक गतिविधियां चलाई जाएंगी। मतदाता जागरूकता पथ की दीवारों पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता के नारे चित्रण के माध्यम से मतदान के संदेश लिखवाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मार्ग पर कई स्कूल व कॉलेज भी हैं, जिनसे अधिक से अधिक मतदान का संदेश लोगों के बीच जा रहा है। इस मतदाता जागरूकता पथ पर स्कूल, कॉलेज एवं समस्त स्वीप पार्टनर के सहयोग से प्रतिदिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में एक सहायक पुलिस निरीक्षक, एक जवान शहीद हो गए। वहीं दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की भी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर और नीलवाया के जंगलों में नक्सली हमले में मारे गए दो जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री सिंह ने इस हमले को कायराना और शर्मनाक हरकत बताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि इन छुटपुट हमलों से राज्य का शांति मिशन और सेना का मनोबल प्रभावित नहीं होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने आज एक आवेदक सहित दो लोगों के खिलाफ 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अधिकृत जानकारी के अनुसार इन लोगों के खिलाफ 2013 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की बात बताई गई है। सीबीआई जांच के दौरान आवेदक ने कथित तौर पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की बात स्वीकारी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स मामले से तुलना करते हुए अपने पुत्र का कथित तौर पर नाम लिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री गांधी से माफी मांगने की बात कही है, जबकि श्री गांधी ने अपनी सफाई में श्री चौहान के बेटे का नाम सीधे तौर पर लेने से इनकार कर दिया है। श्री चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है। 28 नवंबर को प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नरसिंहपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष जैन। आगामी 28 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा निर्वाचन के लिए नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभाओं में 7,62,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें 4,620 पुरुष और 3,62,217 महिला मतदाता हैं। वहीं जिले में मतदान के लिए 1,012 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 290 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में हैं। जिले में मतदान को लेकर प्रशिक्षण का कार्य स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जारी है। ये पहली बार है जब ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल मतदान में किया जा रहा है, इस लिहाज से मतदान दलों का ये प्रशिक्षण बेहद खास है।
जिले के गोटेगांव, नरसिंहपुर, गाडरवारा और तेंदुखेड़ा विधानसभा में 1012 मतदान केंद्रों में मतदान दलों के लिए कुल 6072 अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन सभी दलों को 40 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आशीष जैन। विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में आज पिंक सप्ताह आयोजित किया गया। रायसेन जिले में आयोजित पिंक सप्ताह में बड़ी संख्या में शासकीय कर्मी और छात्राओं ने भाग लिया। हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया है कि सप्ताह के पहले दिन महिला और बाल विकास विभाग और कलेक्टर परिसर सहित पूरे जिले में रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। उमरिया जिले में भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रंगोली प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और छात्राओं ने भाग लिया। हाल ही में मंदसौर में राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। मंदसौर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अभय शुक्ला और सचिव कुलदीप सिंह ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज स्पर्धा के तीसरे दिन 13 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक और बालिका वर्ग की स्पर्धाओं में इंदौर से किया चंदानी, रिया सेठ, धार से संजीवनी वर्मा ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं बालक वर्ग में इंदौर के चिराग खान, राजेश पिंगले, मानस अरोड़ा, धार से मोहित पाल, उज्जवल गोयल और रीवा से मृगेंद्र सिंह अगले दौर में प्रवेश कर गए। कल से मुख्य दौर के मुकाबले शुरू होंगे। ये प्रतियोगिता 2 नवंबर तक चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में आबकारी विभाग ने 225 लीटर देशी शराब और 25,000 किलो महुआ जब्त किया। मुरैना जिले में प्रशासन ने 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। विलुप्त हो रही गौरैया पक्षी के संरक्षण के लिए विदिशा जिले के सरकारी स्कूलों में उनके लिए रेडीमेड घोंसले बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी शासकीय कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगरमालवा जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सहयोगी और दिव्यांग मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से अन्य निर्वाचन संबंधी जानकारी देने के लिए 21 प्रशिक्षण केंद्रों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अतिथि शिक्षकों के वेतन मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने हरित पटाखे विकसित करने का दावा किया है, जो किफायती होने के साथ ही प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन सहित 2 जवान शहीद। और मंदसौर में खेली जा रही राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले कल से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।